हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए कच्चे आम का अचार हम आपको ये बना के दिखाएंगे। इसको तुरंत खाया जा सकता है, बिना धूप अगर नहीं हो तो भी ये आप अचार बना सकती हैं। तो देखिए कैसे बनेगा ये। इसके ऊपर के पार्ट को इसको निकाल के अलग कर देंगे, इससे अचार ख़राब नहीं होता है। इन सभी आम को हमने ये ऊपर से निकाल लेना है। उसके बाद इसको स्लाइस कट कर लेना है। जितना भी बड़ा आप इसका स्लाइस चाहें उतना बड़ा स्लाइस इसका कट कर सकते हैं। इस आम को हमने पहले धोकर पोंछ लिया है। ये 1 केजी आम है, इसलिए इतना ही बना के हम आपको दिखाने के लिए इतना ही बना रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्लाइस सब कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। अब देखिए इसका आप मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 4 ये बड़े चम्मच पीला सरसों लिया है। इसको धीमी आंच पे हमने भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका मॉइस्चर उड़ जाए इसलिए इसको भूनना ज़रूरी है। धूप नहीं होता है तो इसको बिना धूप के भी भून के ही हमने मसाले इस्तेमाल करने चाहिए। इसको हल्का सा भून के हम अलग निकाल के रखते जाएंगे। सभी मसालों को हमने धीमी आंच पर भून लेना है। ये देखिए सरसों हमारा भून गया है। अब हम ये 2 बड़े चम्मच जीरा लेंगे। ये देखिए 2 चम्मच हमने जीरा ले लिया। अब इसको भूनेंगे अच्छे से, हल्के हल्के धीमी आंच पर ही भूनना है। थोड़ा टाइम लगता है भूनने में, लेकिन हल्का ही आंच करके बस इसको हल्का गरम कर लेना है। वो भी भून गया है। अब देखिए मेथी भूनेंगे 1 बड़ा चम्मच और 1/2 चम्मच और ले लेंगे। इसको भी हल्के आंच में भून लेना है। ये भी हो गया है हल्का हल्का भून के। अब देखिए ये मेथी भी हो गया हल्का। अब इसमें हम सौंफ डालेंगे। ये देखिए हमने ये 3 चम्मच सौंफ डालेंगे। इसमें 2 ही डाला है हमने, 2 ही चम्मच डालना है। इसको भी हल्का भून लेना है। अब ये देखिए भून गया है। अब ये धनिया है, इसको भी भूनेंगे। ये 3 चम्मच हमने लिया है। इसको भी हल्का भून के हमने निकाल लेना है। अब देखिए ये भी हमारा भून गया है। इन सभी मसालों को हमने एक साथ कर लेना है ठंडा करके। ये देखिए हमने ये जार में पीस लेना है। मसाले को हमने दरदरा पीसना है। इसके बाद देखिए कढ़ाई में हमने तेल गरम करना है। ये सरसों तेल है, ये गरम हो गया है। अब इसमें देखिए हम हींग डालेंगे। अब अजवाइन डालेंगे। इसके बाद हमने आम डाल देना है, सभी आम को। आंच को बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है, मीडियम आंच ही रखेंगे। और सभी आम को हमने डाल के अच्छी तरीके से भून लेना है। ये देखिए सभी आम हमने डाल दिया इसमें और इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब इसमें देखिए सब मसाले डालेंगे।
अभी हम इसमें हल्दी डालेंगे। ये देखिए हमने ये 2 बड़े चम्मच हल्दी डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे इसमें। अब इसमें देखिए नमक डालेंगे। नमक अपने इसमें स्वाद अनुसार पड़ेगा। अचार तो में ज़्यादा नमक तो पड़ता ही है, तो इसमें हम 4 बड़े चम्मच नमक डाल देंगे। नमक अगर सही बैलेंस रहता है तो अचार ख़राब नहीं होता है। तो इसको देखिए अच्छी तरीके से हमने ये मिला देना है नमक। अगर धूप नहीं हो तो आप इस तरीके से भी अचार बना सकती हैं। धूप अगर रहता है तो उसमें इन्हीं सब मसालों को, मसाला तो यही पड़ेगा, इन्हीं सब मसालों को मिलाकर और धूप में रख सकती हैं तो उसमें वैसे भी अचार बन जाता है। अब इसमें लाल मिर्च डालेंगे। ये देखिए 2 बड़ा चम्मच हमने लाल मिर्च डाला है। इसको भी अच्छी तरीके से मिला देंगे। कलर देखिए इसमें खूब सुंदर आने लगा है। अब ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये 1 चम्मच हमने डाल देना है। इससे कलर और अच्छा आ जाएगा। इसके बाद हमने जार में जो मसाला दरदरा पीस के रखा हुआ था इन सभी मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। जितना था हमारा मसाला हम सब डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिला देना है हमें। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ गया है, अब अचार का कलर। और ऐसे ही ये धीमे धीमे आंच पे पकते हुए, आंच को बहुत तेज़ नहीं रखना है, मीडियम रखना है, बिल्कुल स्लो से ऊपर रखना है थोड़ा सा। ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारा अचार जो है ये पक जाएगा। ऐसे तो अभी ये बन के तैयार हो गया है, लेकिन इसको आप जब धूप निकले तो धूप में भी रख सकती हैं बाद में। ये देखिए अचार हमारा ये थोड़ा सा गल गया है। अब इसमें अब आप ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ये देखिए कटने लगा है अचार, अब ये कंप्लीट हो गया है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके जार में भरेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा अचार बन के कम्प्लीट हो गया है। हमने इसको जार में भर लिया है, कांच के जार में भरिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसको ठंडा करके भर दीजिए इसमें। जार आपका साफ़ होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स आपको वीडियो देखने के लिए।